मनुष्य जब प्रकृति का स्वामी बनता है तो प्रकृति के साथ कसाईयों वाला व्यवहार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राधा चौहान एक बार फिर से UKFM चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। UKFM की टीम की तरफ से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण पर्यावरण चिंता की घनघोर निराशाओं के बीच एक प्रश्न खड़ा हो उठता है कि कहाँ गए वो लोग जो स्वयं को कटवा कर वृक्षों को काटने से रोक दिया करते थे, जो भूमि का एक टुकड़ा भी किसी को भी हथियाने नहीं दिया करते थे, जिनके लिए पानी की एक बूंद जीवन जितनी कीमती हुआ करती थी। मनुष्य के प्रति स्वयं की असावधानियां, उपेक्षा और स्वार्थी चेतना को देखकर प्रकृति ने उसके द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया है। तभी बार बार भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, अकाल जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आज पृथ्वी विनाशकारी स्थिति पर खड़ी है। सचमुच मनुष्य को जागना होगा, जागकर फिर एक बार अपने भीतर उस खोए हुए मनुष्य को ढूंढना होगा जो वास्तव में खोया नहीं है, वरन अपने लक्ष्य से भटक गया है। यह भटकाव पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे का कारण बना है। मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता आ रहा है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसे देखने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। धरती पर बढ़ रही बंजर भूमि, जंगलों का विनाश, लुप्त होते पेड़ पौधे और जीव जंतु, दूषित होता पानी, शहरों में प्रदूषित हवा और हर साल बढ़ते बाढ़ एवं सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि, ओजोन का क्षतिग्रस्त होना इस बात का सबूत है कि हम धरती और पर्यावरण की सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे हैं। UKFM की टीम ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कर अपनी भूमिका निभाई है। आशा है कि आप सभी भी वृक्षारोपण करेंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। हैप्पी एनवायरनमेंट डे और मेरी तरह आप भी पेड़ लगाएं। कई जगहों पर ऐसे भी हैं जिनको पॉलीथीन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जो अभी भी पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है। पॉलीथीन के ऊपर ही जागरूकता के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप, आइए देखें। आंटी जी, लड्डू बिस्किट आप पैकेट में। अरे आंटी जी, क्या देना तुम प्लास्टिक के थैली में देना? आंटी जी, आपने पता नहीं प्लास्टिक के थैली कितना हानिकारक होंगी हमारा पर्यावरण तने। आप तने कपड़े की पन्नी यूज कर चाहूँ, यहाँ को यूज भी कर चाहूँ। दीदी, मेरे को ना आलू लेने के लिए ट्रॉली दे दो। ये क्या प्लास्टिक की थैला, मुझे नहीं चाहिए। आजकल पता है प्लास्टिक का यूज नहीं करते हैं। पर्यावरण दिवस है, हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना है, जिससे हमें पॉलिथीन या इत्यादि चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।